Good morning, friends. Welcome back. This is Sunil Dahiya, Rcm Business Motivator and Trainer. Friends, market में जब हम जाते हैं तो सामान लेके आते हैं, RCM से भी हमें सामान ही लेना है. किस तरह से हम लोगों को बता सकते हैं कि RCM से बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं. आज मैं एक प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ जिसको सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो झोंपड़ी वाला हो या महल वाला. मैं बात कर रहा हूँ नमक की. नमक अक्सर लोग मार्केट से लेके आते हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि नमक जो समुद्र से निकल के आता है वो बहुत ही खारा होता है, और इतना खारा होता है कि अगर उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो हमारी हड्डियों का चूरा बना देता है. इसीलिए नमक को रिफाइंड करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है. अब एक बार से रिफाइंड किया हुआ नमक बेहतर है या दो बार रिफाइंड किया हुआ? आप सभी बता देंगे कि दो बार शुद्ध किया हुआ नमक ज़्यादा अच्छा है. अब मार्केट के अंदर जो नमक धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जिनको सभी लोग लेके आते हैं, जिनके नाम एक पहचान बन चुके हैं क्योंकि बार बार टीवी पे ऐड देखते हैं हम उनका, ये नमक जो टाटा का आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये नमक दो बार रिफाइंड नमक है जो हर घर में इस्तेमाल हो रहा होगा, जिनको भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है. अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ये पता है कि मार्केट में टाटा का ही एक और भी नमक आता है? अब इसकी तो कॉस्ट आपको पता ही होगी, ये है 19 रुपये का. इस पर MRP लिखा हुआ है 19 रुपीज़, तो ये 19 रुपये का ही आपको मिलता है. लेकिन टाटा का ही एक और नमक आता है, हरी और सफ़ेद पैकिंग में आता है, जिसको ट्रिपल रिफाइंड नमक कहा जाता है. वो 19 रुपये का नहीं, वो 32 रुपये का एक किलो मिलता है और बड़े मॉल में मिलता है. अब ये 32 में और 19 में फ़र्क क्या है, मैं आपको बता दूँ कि नमक जो है उसको रिफाइंड करना ज़रूरी होता है, वरना आपका नमक समुद्र से सीधा अगर इस्तेमाल करोगे तो इतना खारा है कि हड्डियों को गलाता है. आपने देखा भी होगा कि अक्सर गांव में जब कोई जानवर मरता है तो उसको गड्ढे में दबाते हैं तो ऊपर नमक डालते हैं. नमक का छिड़काव इसलिए करते हैं कि जल्दी से उसकी बॉडी ख़त्म हो जाए. अब नमक जो है इतना तेज है, उसको रिफाइंड नहीं करेंगे तो वो हमारी हड्डियों का चूरा बना देगा. अब मार्केट में आ रहे नमक जो हैं आपको 12 रुपये किलो भी मिल जाएंगे, आपको 14 रुपये किलो मिल जाएंगे, और डुप्लीकेसी अवेलेबल है तो आपको हो सकता है और भी सस्ते मिलें. लेकिन यहीं पे आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि RCM का जो हमारा नमक है, पहली बात तो ये ट्रिपल रिफाइंड है, तीन बार रिफाइंड है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं. हमारी BP की, हार्ट की, बहुत सारी समस्याएं, जोड़ों के दर्द की, उनके लिए यही एकमात्र उपाय है. ISI मार्क आप इस पे देख रहे होगे. और एक मेन चीज़ होती है नमक के अंदर, वो है आयोडीन. आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर के लिए कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि 15 PPM से ज़्यादा होनी चाहिए. और एकमात्र हमारा ऐसा नमक है जिसके ऊपर यूँ लिखा हुआ है कि जब ये बनता है तो इसके ऊपर 20 से 30 PPM हमारा आयोडीन होता है, लेकिन जब घर पे इस्तेमाल होता है तब तक के बीच के सारे प्रोसेस में आयोडीन का लॉस होता है. और ये कभी भी इन नमकों के ऊपर लिखा नहीं होता है, लेकिन हमारे पे साफ लिखा हुआ है कि जब आप यूज़ करोगे तब भी इसमें 15 PPM से ज़्यादा आयोडीन की मात्रा मौजूद होगी. वरना आपको पता है आयोडीन की कमी से दिमाग के विकास पर असर पड़ता है, लोगों को थायराइड की दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से बेचारा मोटापा और बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं. तो ये जो हमारा ट्रिपल रिफाइंड नमक है साथियों, इसकी एक और खास बात है क्या, कि इसका जो दाना दाना है वो अलग से क्रिस्टलाइज्ड है, बिल्कुल अलग अलग बजता है, आवाज आती है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. आप खुद देख सकते हैं कि इसका क्वालिटी जो है कितनी बेहतरीन है. और अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, प्राइस की बात करता हूँ, ये भी एक किलो है, और मार्केट में ट्रिपल रिफाइंड नमक 34 का आता है, लेकिन हमारे का MRP ही 18 रुपये है, और मिलता है हाथों हाथ कितने का, 14 रुपये का. और जिन साथियों ने ID लगा रखी है उसका 1 रुपया अकाउंट के अंदर भी आता है. तो ये है क्वालिटी हमारे ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक की, किस तरह से ये मार्केट से बेहतर है. आप लोगों तक इस नमक को पहुंचा के लोगों का भला करने जा रहे हो, तो प्राउडली गर्व से अपने इस नमक का इस्तेमाल करवाइए लोगों को. जय RCM.